हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू टू नॉलेज। चारधाम यात्रा 2023 में अप्रैल से शुरू हो रही है और वहां जाने का रजिस्ट्रेशन 21 फरवरी से शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन अभी केवल केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने का शुरू हुआ है, गंगोत्री यमुनोत्री का शुरू नहीं हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के 5 तरीके हैं जिनसे आप बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी फ़ोन से ही, और रजिस्ट्रेशन की तो कोई फीस भी नहीं लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले टू नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा वरना आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं। पहला तरीका है व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप का एक नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा, नंबर है 8394833833। चारधाम यात्रा लिखकर मैसेज कीजिए, उसके बाद आपके व्हाट्सएप में कुछ इंक्वायरीज आएंगी, आप उन्हें फिल कीजिए और अपनी आईडी पासपोर्ट साइज फोटो सेंड कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है टोल फ्री नंबर के द्वारा। हाँ, आप टोल फ्री नंबर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 01351364। मैं फिर से बोलती हूँ 01351364। इस टोल फ्री नंबर के जरिए भी आप बहुत ही आसानी से उनके सवालों के जवाब देकर सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन के जरिए ही बताकर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है ऑफलाइन। आप सिर्फ ऋषिकेश जाकर ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और चौथा तरीका है ऐप के जरिए। तो चलिए देखते हैं कि हम ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। देखिए हमें सबसे पहले वही दिखता है, हम उस पर क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसे खोलते हैं। अब आप इस एप्लीकेशन को खोलिए और इसके ज़रिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आप नए यूज़र हैं तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर डालकर पासवर्ड बनाकर आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप पहली बार इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी पहले से ही इस पर आईडी होगी, आप उसे लॉगिन कर लीजिए। वैसे ये ऐप बिल्कुल भी ठीक तरीके से काम नहीं करता है, बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, इसलिए मैं सलाह दूंगी कि आप ऐप यूज़ करने के बजाय वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर या टोल फ्री नंबर के ज़रिए ही रजिस्ट्रेशन कराएं। ऐप बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं करता है। तो चलिए हम जानते हैं कि हम वेबसाइट के ज़रिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ़ोन के ज़रिए भी हम बिल्कुल आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं गूगल पर, वहाँ लिखते हैं चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। सबसे ऊपर ही हमें उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट दिख जाती है, हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम 3 डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेंगे। ऐसे ही हम लैपटॉप की स्क्रीन पर भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम सर्च इंजन में जाकर चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे। देखिए हमें सबसे ऊपर ही एक वेबसाइट दिख जाती है, हम उस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमें सबसे पहले ही एक नोटिफिकेशन पॉपअप होकर दिख रही है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि केदारनाथ की कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे और बद्रीनाथ के 27 अप्रैल को, और गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए अभी रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुए हैं। जब गंगोत्री और यमुनोत्री के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो उसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ हम सबसे पहले ऊपर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देखिए हमें लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है और राइट साइड में लॉगिन का। अगर आप पहली बार इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आप पहले से इसे इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें टूर ऑपरेटर, इंडिविजुअल या फैमिली में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। टूर ऑपरेटर उनके लिए जो टूर गाइड का काम करते हैं, पूरे ग्रुप को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, उसमें आपको कंपनी का नाम भी डालना होगा, और या फिर आप इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फैमिली भी। हम यहाँ इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ सबसे पहले हमें अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर हमें पासवर्ड बनाना है। उसके बाद पासवर्ड कंफर्म करना है। पासवर्ड कम से कम 6 नंबरों का होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम साइन इन करेंगे और हमारे फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाते हैं। उसके बाद हमें लॉगिन करना है। साइड में ही हमें लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, हम वहाँ अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और जो नंबर हमें नीचे दिख रहा है हम वो डालकर लॉगिन कर लेंगे। देखिए हमारे सामने एक और पेज ओपन होता है जिसमें यहाँ लिखा है यात्रा की योजना बनाएं, दूसरा लिखा है यात्रा का पंजीयन करें। सबसे पहले हमें योजना बनानी है, हम उस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है ऐड न्यू टूर, हम उस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसमें लिखा है प्लान योर टूर। यहाँ आप अपने टूर का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चार धाम यात्रा करना चाहते हैं या कुछ और, आप वो भी चूज कर सकते हैं। पर यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ चार धाम ही एक ऑप्शन है। उसके बाद हमें अपने टूर की डेट सिलेक्ट करनी है। इस बात का खास ध्यान रखें कि यह डेट हमें सिलेक्ट करनी है हरिद्वार में एंट्रेंस की और हरिद्वार से निकलने की डेट। सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ घूमने की डेट सिलेक्ट नहीं करनी है, इस बात का खास ध्यान रखें। आप कब हरिद्वार जाते हैं और कब हरिद्वार से निकलते हैं आप वो डेट यहाँ सिलेक्ट कीजिए। तो कपाट अप्रैल में खुल रहे हैं 25 तारीख से केदारनाथ के और 27 तारीख से बद्रीनाथ के, तो हम वही डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 24 से 28 तक की डेट सिलेक्ट की है और डेट सिलेक्ट करते ही हमारे सामने एक स्लॉट ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ 24 तारीख तक कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, मतलब बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। 25 तारीख से ही केदारनाथ की और 27 तारीख से बद्रीनाथ की बुकिंग स्टार्ट हुई है। कुछ नहीं करना है हमें, बस यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं ये दिखा रहा है, तो हमें ये अवेलेबल मिल गई है तो हम इसे सीधा यहाँ ऊपर जो क्रॉस का निशान है हम उसे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। साथ ही यहाँ हेमकुंड साहिब की भी बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुए हैं, तो जब वो चालू हो जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो हम इसे अभी बंद कर देते हैं और यहाँ नीचे हमें दिख रहा है नंबर ऑफ टूरिस्ट, आप कितने लोग जा रहे हैं आप यहाँ डाल सकते हैं। और जैसे आप एक ही हैं तो आप एक डालिए, दो हैं तो आप दो डालिए, और अगर आप दो डालते हैं या एक से ज़्यादा लोगों के बारे में डालते हैं तो आपके उनके पर्सनल रजिस्ट्रेशन ही करवाने पड़ेंगे। एक पे ही सबका नहीं होगा, उसके हिसाब से आपको उनके आधार कार्ड ID वगैरह सब अलग अलग डालनी होगी। तो यहाँ पहले हमें मोड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम डालना है। यहाँ खास नोट लिखा गया है कि इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं बाद में, आपको सिलेक्ट कर लेना है बाय रोड आ रहे हैं आप या बाय एयर आ रहे हैं, जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है प्लान योर डेस्टिनेशन, तो यहाँ हमें अपने डेस्टिनेशन के बारे में डालना है। आप केदारनाथ जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री। अभी केदारनाथ का ही और बद्रीनाथ का ही चालू हुआ है तो पहले हम केदारनाथ सेलेक्ट कर लेते हैं फिर बद्रीनाथ सेलेक्ट कर लेते हैं। केदारनाथ की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, वह स्पेसिफिक डेट जिस दिन मंदिर दर्शन करने जाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा अब वही डेट डालिए जिस डेट पर आप मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं। अब आप बद्रीनाथ की डेट सेलेक्ट कीजिए जिस दिन आप बद्रीनाथ में दर्शन करना जाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो ऐड लिखा है उसके ज़रिए आप गंगोत्री और यमुनोत्री की भी टूर प्लान कर सकते हैं जब उनके रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे। तो उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। आपका टूर का रजिस्ट्रेशन हो गया है, क्रिएट हो गया है टूर और उसकी एक ID भी आपको मिल जाती है। उसके बाद देखिए दूसरा पेज अपने आप ही ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पिलग्रिम के लिए। यहाँ पर आपका टूर की डेस्टिनेशन साफ साफ दिख रही है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यहाँ आपको अपना फुल नाम डालना है, जो भी आपका नाम है आप वो डालिए। उसके बाद यहाँ हमें अपनी एज डालनी है, जेंडर सेलेक्ट करने हैं, मेल, फीमेल या अदर। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आप यात्रा के दौरान साथ में रखेंगे, वो मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद हमें यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालना है। बाद आप यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इंडिया या नेपाल या बांग्लादेश जहाँ से भी आ रहे हैं आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप नेपाल चूज़ करते हैं तो उसके बाद भी आपको कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर, आपको सिर्फ अपनी एक ID नंबर है जो यहाँ पर डालना होगा।
अगर वहाँ आधार कार्ड चलता है तो आप आधार कार्ड नंबर डाल सकती हैं या कोई भी आईडी नंबर डाल सकती हैं। जिस एड्रेस पर आप रहते हैं हमें वो एड्रेस डालना है, ABC जो भी एड्रेस है आपका परमानेंट एड्रेस आप वो डालिए। उसके बाद सिटी सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम और फिर स्टेट। उसके बाद नीचे लिखा है इमरजेंसी में जिस इंसान को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसका नाम, नंबर और उसके बाद उस इंसान से आपका रिश्ता क्या है वो डालना है, भाई बहन मम्मी पापा जो भी है आप वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ हमें सिलेक्ट करना है कि आप डॉक्टर हैं या नहीं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इमरजेंसी में हेल्प कर सकते हैं इसलिए आप इसे चूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो इसे अनटिक रहने दीजिए। मोड ऑफ ट्रेवल फॉर धाम सिलेक्ट करना है, आप किस चीज़ के जरिए धाम दर्शन के लिए जा रहे हैं, मिनी बस से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ आता है सिलेक्ट मेडिकल कंडीशन, अगर आपको कोई भी बीमारी है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है या कुछ भी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे अनटिक रहने दीजिए। उसके बाद आपने जो ट्रैवल का मोड सिलेक्ट किया था, बस या मिनी बस या टैक्सी जो भी है, तो अगर आपको ड्राइवर का नाम पता है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर आपको उस गाड़ी का नंबर पता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो डालनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमें यहाँ अपलोड करनी है। अगर कोई भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अभी आपके पास नहीं है तो आप टेक प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करके तुरंत फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ चूज़ करना है, जो भी आप वहाँ ले जाएं, आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट भी। और फिर हमें उसकी भी एक पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे आता है आर यू कोविड वैक्सीनेटेड, अगर आप कोविड वैक्सीनेटेड हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ अपने सर्टिफिकेट का रेफरेंस आईडी नंबर डालिए, और हो सके तो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर जाएं। वैसे तो कोविड का सर्टिफिकेट अब कहीं भी चेक नहीं होता है पर फिर भी मांग सकते हैं। उसके बाद यहाँ टिक मार्क पर क्लिक करेंगे और हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद देखिए तुरंत ही हमारे पास अपने रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन आ गई है। आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे अपने साथ ले जाना बिल्कुल ना भूलें। और इस वेबसाइट में बहुत सी चीज़ें हैं जैसे होटल बुकिंग, पूजा बुकिंग, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, जो भी अगर आप इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।